your tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and you're watching Cure Tricks. In today's video, we are going to solve questions of exercise 2J of RS Agarwal. And in this video, we are going to solve question number from 19. Till question number 18, we have already solved in this previous video. So today, the first question will be of 19. And the question is a plus b ka cube minus 8. Okay, this is the question number 19. So how we will solve this? See, this is like a cube minus b cube. Okay, कैसे है ये a cube minus b cube की तरह देखो. This is इसको हम पूरे को एक term मान लेते हैं. तो this will be a plus b का होल क्यूब एक टर्म माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं क्यूब ऑफ सॉरी 8 को हम लिख सकते हैं एज क्यूब ऑफ 2. ठीक है, तो ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब. एंड द फॉर्मूला फॉर a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b स्क्वायर. ओके, दिस इज गोइंग टू बी the formula for this question. Okay, ye wali identity ka hum use karenge. So in the place of a, what will be there? A plus b. And in the place of b, 2 will be there. So formula pe values dalte hain, we get a plus b ka cube minus 2 ka cube will be equal to a plus b minus 2. Fir a plus b ka square plus a plus b into 2 plus 2 ka square. Further solve karenge, this will be a plus b minus 2, a plus b ka whole square plus a plus b into 2 plus 2 ka square is 4. So this will be the answer. Okay, तो यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, a cube minus b cube वाली आइडेंटिटी का. So with the help of that, you will solve this and you will get the answer. Now the second question is, that means question number 20. Question 20 hai, x ki power 6 minus 729. So kaise solve hoga, dekhiye. X ki power 6, I can write this like x ki power 2, fir uski power 3. By the law of exponent. Okay? Law of exponent की help से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. देखो 2, 3 जा 6. ठीक है? Law of exponent क्या होता है, अगर पार की पार है तो that means they will get multiply. तो 2, 3 जा 6 और हमें 6 ही चाहिए तो यहां से हमें मिल जा रहा है. तो I can write this 6 की, x की पार 6 as x square का cube minus 729 is the cube of 9. तो ये भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब के, जो आ जाएगा इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b स्क्वायर. तो यहां से हमें मिल गया दिस a एस x स्क्वायर b एस 9. तो पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी गेट x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 9 प्लस 9 square. So this will be equal to x square minus 9 x square plus 9x square plus 9981. So this is going to be the answer. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर. तो ऐसे आप क्या करोगे, जो गिवन क्वेश्चन होगा उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाओगे. दैट क्यों? क्योंकि वहां पे वो क्यूब पे आ सके. आफ्टर दैट यू विल यूज द फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज ए प्लस बी का क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. ये क्या है हमारा, ए है. ये क्या है हमारा, बी है. तो यहां पे क्या गिवन है, दैट मीन्स हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है. तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, वो ही यूज कर लेंगे यहाँ पे. a माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, दिस ओनली विल बी यूज्ड हियर. बट ए की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ए प्लस बी, और बी की जगह पे यूज करेंगे ए माइनस बी. सो ए प्लस बी का क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब विल बी इक्वल टू ए प्लस बी फिर माइनस ए माइनस बी. ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी. तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला खोलेंगे. ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और इसका फॉर्मूला भी खुलेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर देखो कितने टाइम्स है, वन टू एंड थ्री. बी प्लस बी इज टू बी, फिर थ्री टाइम्स ए स्क्वायर. ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया. ये प्लस का है, माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गया. तो प्लस क्या बचा है यहाँ पे, फिर लास्ट में बी स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. ओके, तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. देखो यूज तो हम सेम आइडेंटिटी कर रहे हैं ना, अभी तक देखो हमने तीनों क्वेश्चन पे सेम आइडेंटिटी यूज की है, बट अप्लाई कैसे किया है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. ओके, सो इसे हमने फर्दर सॉल्व किया और जो सेम लाइक टर्म्स थे वो अपोजिट साइन के थे, तो दैट्स वाई दे गेट कैंसिल आउट और लास्ट में वी गेट दिस आंसर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 इज गिवन एज x माइनस एट एक्स वाई क्यूब. तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सी फर्स्टली यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्यूब फॉर्म में नहीं मिल रहा है, तो वी हैव टू टेक कॉमन. तो यहाँ पे मुझे एक्स कॉमन मिला, तो मैंने एक्स कॉमन लिया, अब बचा एट वाई क्यूब. एंड दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज वन माइनस एट किसका क्यूब होता है, टू का, तो टू वाई का क्यूब और ये वन का क्यूब. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू द फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले से. तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए की जगह पे आ जाएगा वन और बी की जगह पे टू वाई. फॉर्मूले पे वैल्यूज डालते हैं, एक्स वन क्यूब का क्यूब माइनस टू वाई का क्यूब इज इक्वल टू वन माइनस टू वाई वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू टू वाई प्लस टू वाई का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू वन माइनस टू वाई वन का स्क्वायर वन वन इंटू टू वाई प्लस इसका स्क्वायर इज फोर वाई स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर नंबर 22. तो ऐसे ये सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है 32 एक्स की पावर 4 माइनस 500 एक्स. ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व होगा. ये डायरेक्टली तो हमें क्यूब्स नहीं मिल रहे ना, तो वी विल टेक द कॉमन. 4x कॉमन आ गया, ले लेंगे. सो 4x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 8x क्यूब माइनस 125. अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 4x. अब देखो 8 को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 2, तो क्यूब 2x का क्यूब माइनस 125 इज 5 का क्यूब. सो a मतलब क्या आ गया यहाँ पे, a 2x और b इज 5. तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब का, बाहर आ गया 4x 2x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब विल बी इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 2x माइनस 5 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25. सो दिस इज द
answer number 23. So like this, we have to solve these questions by using the formula a cube minus b cube.
क्वेश्चन नंबर 24 नाउ. 24 इज गिवन एज 3 ए की पावर 7 बी माइनस 81 ए की पावर 4 एंड बी की पावर 4. सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सी ए की पावर 7 गिवन है तो स्प्लिट कैसे करते हैं इसे 7 को. देखो एक्सपोनेंट के जो लॉस थे उसमें हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है. तो अगर हम इसे 3 और एस 4 लिख लें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी ना. तो हमें इसे क्यूब फॉर्म में चेंज करना है तो आई कैन राइट दिस एस. पहले तो मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ उसमें से बिकॉज 3 भी किसी का क्यूब नहीं होता और 81 भी नहीं होता. तो 3 आई हैव टेकन कॉमन. आफ्टर दैट 4 मैं कॉमन ले लूंगी तो ताकि अंदर ए क्यूब बन सके. और मुझे बी भी कॉमन लेना पड़ेगा. बी भी किसी का क्यूब नहीं है इसलिए ओके. तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हमारा ए क्यूब माइनस 27. 327 जो 81 ए की पावर 4 कॉमन ले ली दैट मीन्स पूरा कंप्लीट बाहर आ गया और बी कॉमन लिया था तो अंदर सिर्फ क्या बचा बी क्यूब. ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया इन द फॉर्म ऑफ 3 ए की पावर 4 बी ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब. तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 3 ए की पावर 4 बी ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब होता है 27 तो 3 बी का क्यूब. ओके तो अब हम इसे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. दैट विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी इक्वल टू ए प्लस सॉरी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. ओके दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला. तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व करेंगे. ए की प्लेस पे आ जाएगा 3 सॉरी ए की प्लेस पे आएगा ए ही ठीक है. दिस इज ए एंड बी की प्लेस पे आ जाएगा 3b. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 ए की पावर 4b आ जाएगा बाहर से अंदर a माइनस 3b फिर a स्क्वायर प्लस a इंटू 3b प्लस 3b का स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 ए की पावर 4b a माइनस 3b ए स्क्वायर प्लस 3ab a इंटू 3b हो जाएगा 3ab प्लस 3 का स्क्वायर इज 9b स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर नंबर 24. ओके नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25 इज गिवन एज ए क्यूब माइनस 1 बाय ए क्यूब माइनस 2a प्लस 2 बाय ए ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है. तो सी हियर ये क्यूब में गिवन है तो हमने ऐसे ही रख लेते हैं माइनस इसमें मुझे 2 कॉमन दिख रहे हैं दोनों में तो आई हैव टेकन 2 कॉमन तो आ गया a प्लस 1 बाय ए. अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे. दिस पार्ट इज इक्वल टू ये क्या फॉर्म कर रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा इतने पार्ट में बस ठीक है. तो इट विल बी इक्वल टू ए माइनस 1 बाय ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी दैट इज ए इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए का स्क्वायर. ओके सो और हमारे पास बचा 2 ए प्लस 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए स्क्वायर इससे ये कैंसिल आउट हो गया प्लस 1 प्लस 1 बाय ए का स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 1 बाय ए. ओके सो दिस इज द आंसर नंबर 25. बट पता है ये देखो ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकता है. सी दिस इज ऑल्सो ए माइनस 1 बाय ए एंड दिस इज रिटर्न एज सॉरी ये भी ए माइनस था ठीक है. मैंने माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय ए स्क्वायर यहाँ क्या आ गया माइनस का ए माइनस 1 बाय ए.
आंसर नंबर 25 यहाँ पे आएगा. ठीक है, देखो ये सेम था, a माइनस वन बाय ए, दिस इज ऑल्सो a माइनस वन बाय ए, पर यहाँ पे माइनस टू था, यहाँ पे वन, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और यह. सो लाइक दिस, फर्स्टली यू हैव टू अरेंज, देन यू विल अप्लाई दिस क्यूब फॉर्मूला. ठीक है, पहले आप इसको अरेंज करोगे. आप डायरेक्ट जब आप देख रहे हो इसे, तो आपको चीजें क्या दिख रही है, सिर्फ क्यूब यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस पार्ट को क्यूब के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे एंड दिस विल बी द रिमेन सेम. बट आप इसमें ऐसे थोड़ा सा चेंज करोगे ताकि आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो. ओके, इफ आई राइट इट लाइक दिस ओनली, अगर मैं इसे ऐसे ही लिखती हूं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा. ठीक है, सॉल्यूशन इसका. तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, आंसर को थोड़ा सा एग्जैक्ट लेके आने के लिए, वी हैव टू जस्ट हैव टू टेक कॉमन ऑल्सो हियर, तो जिसकी वजह से ये और आगे तक सिंप्लीफाई हुआ एंड वी गेट द प्रॉपर आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26. 26 इज 8a cube minus b cube minus 4ax plus 2bx. This is the 26. ठीक है, अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा. 8a cube को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 is the cube of 2, तो ये हो जाएगा 2a का cube minus b cube minus 2. ठीक है, 2 और यहां पे से आ जाएगा, देखो 2 क्या है, दोनों में कॉमन दिख रहा है 2x, यहां पे भी, यहां पे भी, तो आई टेकन इट कॉमन, तो यहां क्या बचा, सिर्फ 2a प्लस इधर क्या बच गया, b, माइनस कॉमन लिया था तो इधर आ जाएगा माइनस. ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. देखो ये क्या बन गया, 2a क्यूब माइनस b क्यूब होल क्यूब माइनस 2x 2a माइनस b. तो इतने पार्ट में, दिस पार्ट इज लाइक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सिर्फ इतने पार्ट में हम इस क्यूब वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसे एज इट इज लिखेंगे. सो द आंसर, द फॉर्मूला इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूला होगा इसका. तो अब ए की जगह पे आ गया हमारा 2a और बी की जगह पे आ जाएगा हमारा b ओनली. So it will be equal to a cube minus b cube is equal to 2a minus b, 2a ka square plus 2a into b plus b ka square minus 2x 2a minus b. Ye wala part aa jayega, theek hai. So this will be equal to 2a minus b. So, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2x 2a माइनस b. ओके, तो लास्ट जो हमारा आंसर आया, देखो ये क्या है, 2a माइनस b, दिस इज ऑल्सो 2a माइनस b. ठीक है, ये भी तो 2a माइनस b है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से कॉमन ले लेती हूँ 2a माइनस b. So, I have taken 2a minus b common. तो अंदर बचा 4a square plus 2ab plus b square minus 2a minus, sorry, 2a तो 2a minus b तो common ले लिया था, तो सिर्फ minus का 2x बचा. So, this is going to be the answer of 26. इसमें भी हमने वो ही किया, इस part को cube के form में लेके आए, इसको थोड़ा सा simplify किया, then this part only get resolved by the cube identity. फिर इसे according to the formula solve किया and ये as it is रहेगा. फिर ये और ये part हमें similar मिले, तो I have taken it common. तो the last answer is this. ठीक है, तो इस step पे आप इसको तक solve करोगे. Now the next question is question number 27. 27 है हमारे पास. 8a cube minus b cube minus 4ax plus 2bx. ठीक है, this is the question number 27. तो I can write this as, sorry, ये question जो 27 है, this is similar to the above one only. Okay?
तो ये 27 क्यूब होता है 3 का, तो 3 ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब माइनस 2x कॉमन ले लिया इधर, तो इधर आ गया 2a माइनस का b, ओके कॉमन लेने पे एंड देन इट विल बी इक्वल टू, ये इस पे लग जाएगा हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला, ओके तो जो क्यूब वाला फॉर्मूला है दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू ये ए क्या है 3a और b क्या है b रहेगा, तो 3a माइनस बी 3a का होल स्क्वायर प्लस 3a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x 2a माइनस बी, सो 3a माइनस बी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2x 2ab 2a माइनस बी, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ 27. So it means here in this video we have completed this exercise. हाँ 2J जो exercise है हमारी RS अग्रवाल की वो यहाँ पे complete होती है. इस video पे हमने question number 19 till 27 complete किया है. And if you have any queries regarding these question solution, you can comment on the comment section. And for more such videos, you can visit to our website also, that is www.qtricks.in. And please like, share and subscribe to QTricks. Thank you and have a wonderful day. Hello everyone, this is Renu and you are watching QTricks. In today's video, we are going to solve exercise 2K questions. And this is the exercise of RS Agarwal. And the questions of this exercise are related to identities. And the first question of this exercise is 125 a cube plus b cube plus 64 c cube minus 60 abc. This is the first question. So 125 is the cube of 5, so it is 5a cube plus b cube plus 64 is the cube of 4, so 4c cube minus, अब देखो यहाँ पे a b c तीन हो, तो that means ये 3 के 3 यहाँ पे use होंगे, so I will write it as 3 5a into b into 4c. सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये आंसर के इक्वल आ रहा है कि नहीं. 3 इंटू 5 इज 15, 15 इंटू 4 इज 60 abc, सो दिस इज इक्वल टू दिस, ओके सो ये आ गया इसके इक्वल. दैट मीन्स यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस इज द a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, दिस इज इक्वल टू दिस. तो आप क्या अप्लाई करोगे यहां पे, दिस फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई. इन द प्लेस ऑफ a यू विल यूज 5a. In the place of B, you will use B only. And in the place of C, you will use 4C. So now putting the value in the formula, we get 5A ka cube plus B ka cube plus C ka cube minus 3 into 5A into B into 4C is equal to 5A plus B plus C. 4c, ओके इस फिर 5a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर माइनस 5a इंटू b माइनस b इंटू 4c
माइनस 4c इंटू 5 है. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई पुटेड ऑल दीज वैल्यूज. अब आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 5a प्लस बी प्लस 4c. 5 का स्क्वायर इज 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16c स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 4bc माइनus 20ac. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ है? आइडेंटिटी दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई गॉट द आंसर दैट 5a प्लस बी प्लस 4c 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 4c bc माइनस 20ac. सो दिस इज द आंसर नंबर 1. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. 2 इज गिवन एज ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 84abc. तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे. ए क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब होता है? 2 का. तो 2b का क्यूब प्लस 64 इज द क्यूब ऑफ 4 तो 4c का क्यूब माइनस दिस विल बी रिटर्न एज 3 इंटू ए इंटू 2b इंटू 4c. तो 3 into a is 3a, 3a into 2 is 6b, abc, 6 into 4 is 24abc. तो इसके इक्वल आ रहा है. तो here also we will use the formula a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. So that will be equal to a plus b plus c. This is abc. फिर a square plus b का square plus c का square. माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल ए प्लस टू बी प्लस फोर सी. सो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर जो 16 सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस फोर टू जो 8 बी सी माइनस 4ac. ओके, सो दिस इज द आंसर. ठीक है, ऐसे आप इन फॉर्मुलेस का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व. सो द थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड इज गिवन एज 1 प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6bc. This is the third question. तो 1 का क्यूब इज ऑलवेज 1, बी क्यूब 8 इज क्यूब ऑफ 2 तो 2c का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू बी इंटू 2c. सो 3 वन जो 3, 3 इंटू बी इज 3b, 3b इंटू 2c इज 6bc. तो यहां पे भी कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. This is equal to a plus b plus c and a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. So this is going to be equal, ye aa jayega 1 plus b ka cube plus 8c ka cube minus 6bc equal to 1 plus b plus, sorry it is 2c ka whole square. 2c 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर माइनस 1 इंटू b माइनस b इंटू 2c माइनस 2c इंटू 1. ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस b प्लस 2c और 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 2c means 4c square minus b minus 2bc minus 2c. So this is the answer number 3.
सो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन. फोर्थ इज गिवन एज 216 प्लस 27b क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 108bc. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4. तो 126 किसका क्यूब होता है? 6 का. तो 6 क्यूब प्लस 27 इज द क्यूब ऑफ 3, तो 3b क्यूब प्लस 8 इज द क्यूब ऑफ 2, तो 2c क्यूब माइनस 3 इंटू 6 इंटू 3b इंटू 2c. सो 3 6 जा 18, 3 जा 36, 36 इंटू 2 इज 108bc. सो अब ये भी किस फॉर्म में आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC. दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ओके, ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA. ओके, अब जो हमारे पास वैल्यू है उन्हें हम फॉर्मूले पे डालेंगे. वी विल गेट इट एज, किसका हमें निकालना है? 6 क्यूब प्लस 3b क्यूब प्लस 2c क्यूब विल माइनस 108bc विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3b प्लस 2c. 6 स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3b माइनस 3b इंटू 2c माइनस 2c इंटू 6. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 प्लस 3b प्लस 2c. 6 का स्क्वायर इज 36, 3 का स्क्वायर इज 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 18b माइनस 6bc माइनस 12c. सो दिस इज द आंसर नंबर 4. तो ऐसे आप इनको वैल्यूज पुट करोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व इट फर्दर. अब आते हैं फिफ्थ पे. फिफ्थ इज गिवन एज 27a³ माइनस b³ प्लस 8c³ प्लस 18abc. ठीक है, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. सो सी, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का. तो 3a³ माइनस b³ प्लस 8 किसका क्यूब होता है? 2 का. तो 2c³ प्लस 18, सॉरी दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3a इंटू b इंटू 2c. ठीक है, वो भी माइनस का, b क्या है यहाँ पे? माइनस का. तो ये हो जाएगा 3a³ माइनस b³ प्लस 2c³. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ये माइनस का 3 इंटू 3a इंटू माइनस b प्लस 2c. अब इस पे हम फॉर्मूले पे ये वैल्यूज डाल देंगे गिवन इन द क्वेश्चन. सो वी गेट इट एज 3a प्लस माइनस का b प्लस 2c, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3 इंटू a, सॉरी a इंटू b होता है ना, तो 3a इंटू माइनस b, फिर माइनस b इंटू c, फिर माइनस c इंटू a. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल एज 3a प्लस माइनस का b प्लस 2c. 3 जो 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2bc माइनस 6ac. सो दिस इज द आंसर नंबर 5. ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 5. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6.
6 is given as 8a cube plus 125b cube minus 64c cube plus 120abc. This is the question number 6. तो 8 को हम लिख सकते हैं a 2 का क्यूब, तो 2a क्यूब प्लस 125 इज द 5 क्यूब, 64 इज द 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 5b इंटू 4c. ठीक है, ये ऐसे आ गया. अब तो ये फॉर्मूले पे वैल्यूज डालेंगे तो वी विल गेट इट एज 2a प्लस 5b माइनस 4c, फिर 2a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर प्लस माइनस 4c का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b माइनस b इंटू c माइनस c इंटू a. सो दिस विल बी इक्वल टू 2a प्लस 5b माइनस 4c, 4a square plus 25b square plus 16c square minus 10ab plus 20bc plus 8ac. So this is the answer number 6. So it's जो हमने questions अभी तक किए इसमें mainly हमने कौन सा identity का use किया, that is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. So according to the question, we have used differently in the questions. So in this video, we have solved exercise 2K questions, question number 1 till question number 6. And these questions are related to identities only. And exercise before 2K. 2K से पहले जितनी भी exercises हैं, उनके जो solutions हैं, आपको उसकी videos playlist में जाके मिल सकती है. And for more such videos, please like, share and subscribe to Qtrix. And you can visit to our website also, that is www.qtrix.in. And if you have any problem regarding the solution, you can comment on the comment section. So thank you and have a wonderful day. Qtrix. Learn, practice, achieve. Qtrix. Learn, practice, achieve.